बिल को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और डुमरियागंज से बीजेपी सांसद जगदीपा पाल ने केन्यू संवाददाता से खास बातचीत करी। उन्होंने कृषि बिल को किसान का ऐतिहासिक बताया, साथ ही साथ क्या कुछ उन्होंने कहा आपको दिखाते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सिद्धार्थनगर के सांसद जगदीपा पाल जी, जो अभी कोरोना जैसी महामारी से जीत कर आए हैं। तो सबसे पहले तो हम आपके दीर्घायु की कामना करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और परमात्मा आपको लंबी आयु दे। सर, किसानों की जो बात करते हैं, जिस तरह जो सरकार की बात करते हैं, किसानों के मुद्दे को लेकर जिस तरह जो विपक्षी पार्टियां हैं, अकाली दल ने भी साथ छोड़ दिया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो किसानों का आज इसी का विधेयक पारित हुआ है, ये देश की आज़ादी के बाद किसानों के आय को दुगना करने के लिए, जिसको 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद इस सदन में लगातार चर्चा होती थी कि किसानों की आय दुगनी हो, किसानों के डॉक्टर एस एस स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, उन्होंने कहा था कि किसान का जो बिजनेस है, उसकी जो उत्पादन लागत है, उसका 50% जोड़ करके दिया जाना चाहिए। ये 2006 में रिपोर्ट लागू हुई कांग्रेस की सरकार, लेकिन उस पर कांग्रेस की सरकार ने किसानों को वो जोड़ करके दिया नहीं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम डॉक्टर एस एस स्वामीनाथन जी या चाहे श्री कड़ी संगठन के सर जोशी जी अध्यक्ष हों, हम किसानों को उनके प्रोड्यूस का जो लागत है, कीमत है, उसका डेढ़ गुना हम किसानों को देंगे। अमरिंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री ने लगातार बयान दिया, लोगों को उकसाया, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से आदमियों का प्रभाव है, 8.5% किसानों को अपनी उपज बेचने के मंडियों में टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अब जब आंदोलन वहाँ चला शुरू हो गया, तो मुझे लगता है अकाली दल को ये चिंता हुई होगी कि अगर कांग्रेस इस आंदोलन को जीत कर रही है, तो ये जानते हुए भी कि अकाली दल हमारा पुराना साथी है, हमने हमेशा उसको विश्वास भी दिया, और ये विधेयक आप देखिएगा दीर्घकाल में किसान इसका स्वागत करेंगे। किसान को आज प्रतिस्पर्धा में एक तरह से ओपन मार्केट मिल रहा है। तो ये थे हमारे साथ सांसद जगदंबिका पाल जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो किसानों का जो आंदोलन है वो देश भर में नहीं है, जो पंजाब और हरियाणा में, वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और अकाली दल को अपनी भूमि की तरक्की भी नजर आई थी, जिसको लेकर ये लोग वहां पर धरना प्रदर्शन करा रहे हैं। अगर किसानों के हित की बात करें तो जो बिल है पूरी तरह किसानों के हित के है और किसानों के फायदे के लिए है। जय भीम मावी के न्यूज़।